बसमिल सो वी आर डूइंग डेरीवेटिव आज हम इसकी बात करेंगे यूज ऑफ डेरीवेटिव आर द वेज इन आर यूज हाउ दे आर हेल्पफुल हाउ दे आर बींग अप्लाइड परपज एंड बेनिफिट ऑफ डेरेवेटिव दे आर मेनी यूजफुल यूज ऑफ डेरेवेटिव मार्केट इंक्लूडिंग रिस्क एलोकेशन ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट रिस्क के purpose, जो मेनली द मेन क्रास्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिस्कवरी प्राइस लर्न करने के लिए प्राइस डिस्कवरी

ऑन अंडरलाइंग जो उसको सपोर्ट करते हैं और उसकी करेक्शन की तरफ लेके जाते हैं डेरिवेटिव कैन बी यूज इन रिस्क मैनेजमेंट टू हैज योर पोजिशन प्रोटेक्टिंग अगेंट रिस्क ऑफ एन एडवर्स मूवमेंट ये इसका एक मेन पॉइंट है मेन रीज़न है जो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं कि हमारी एडवर्स मूवमेंट से हमें आपको सेफ गार्ड करना हेजिंग इज द एक्ट ऑफ टेकिंग एन ऑफ सीटिंग पोजिशन इन अ रिलेटेड सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक इन्वेस्टर ने हज़ार शेयर ले लिए टेस्ला के टेस्ला आपको पता है आजकल इट्स द नेम ऑन एवरी इन्वेस्टर्स माइंड एंड एवरी वेयर और प्लस यूज़र्स के माइंड में भी है कि इलेक्ट्रिक कार के प्लेयर्स हैं किसी ने 2015 में एक शेयर ले लिए इसके थाउजेंड एट द रेट ऑफ सिक्सटी फाइव डॉलर विच वॉज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अभी हम देखते हैं कैसे ही हैल्ड ऑन टू इन्वेस्टमेंट फॉर ओवर टू ईयर्स एंड नाओ ऑफरेड देस्ला विल बी अनएबल टू मीट द अर्निंग उसने दो ढाई साल रखे हैं और एक अच्छा लेवल पर आ गया अब उसका ख्याल है कि अब इतनी ई पी एस शायद ये मेनटेन ना कर सके जो उन्होंने पहले किए हैं या जो इतनी ग्रोथ मोमेंटम है वो इतना ना रह सके तो इज अ बिट वरिड वरिड होने की बात भी है पहले एक स्टॉक प्राइस देख लें और कहाँ पहुँच गई जो उसने सिक्सटी फाइव का लिया था नाव इट इज़ ट्रेडिंग एट टू फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन थ्री डॉलर यानी कि मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया तो उसका जो एक्सपोजर है दैट हैज गॉन यूज तो ही वरीड कि अब ये इस लेवल पे आ गया है एंड हैव गेन सो मच बट आई डोंट वांट टू सेल इट बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू सी इट फॉलिंग डाउन सो दैट्स द रिस्क तो इन्वेस्टर वांट्स टू लॉक इन एटलीस्ट वन सिक्सटी फाइव डॉलर ऑफ प्रॉफिट पर शेयर ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है कि एक मैं रीजनेबल प्रॉफिट पे अपने आप को लॉक कर लूँ ताकि मेरा इससे ज्यादा नीचे ना आए और जो मुझे गेन हो रहा है दैट शुड बी देयर बट ही स्टिल डोंट वॉन्ट टू सेल दैम द कंपनी मे हैव इन्वेस्टर पुट बाई टेन पुट ऑप्शन अब ये क्या कर सकता है इन्वेस्टर दस उसकी पुट ऑप्शंस खरीद ले उस पे और उसकी प्राइस जो भी लट से इट्स अवेलेबल एट टू थर्टी टू थर्टी की अवेलेबल है और उसकी एक्सपायरेशन पे उसने अपने आप को लॉक कर लिया यानी कि थ्री मंथ्स के लिए अपने आप को उसने लॉक कर लिया कि टू थर्टी की उसने पुट ऑप्शंस ले ली इसका मतलब है अगर शेयर नीचे भी गिर जाएगा ही विल बी एबल टू रियलाइज टू थर्टी फ्राम दिस डेरीवेटिव पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विच आर टाइप्स ऑफ डेरीवेटिव गिव इन्वेस्टर द राइट टू सेल के ही कैन सेल इट एट टू थर्टी इफ यू बॉन्ट्स अगर प्राइस बहुत बढ़ जाएगी तो ही इग्नोर इट कॉज ऑप्शन है अगर प्राइस लेट सपोज नीचे गिर के दोबारा कम आ जाती है या बहुत कम हो जाती है तो ही विल बी एबल टू सेल इट एट टू थर्टी तो उसने दस कॉन्ट्रैक्ट किए हंड्रेड इंटू टेन थाउजेंड शेयर्स उसके जो हैं वो ऑलरेडी कैप्चर हो गए तो वो ही इज सेफ गार्ड नाउ के अब शेयर घिर भी जाएगा तो ही इज़ इन अ सेफ बेल्ट कि वो टू थर्टी तक रहेगा तो सिक्सटी फाइव का लिया हुआ टू थर्टी तक का उसका गेंद एक्सचेंज तो में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगी उसकी एक्सपायरेशन डेट अंडर लाइन होंगे ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करेंगी एक्सचेंज ट्रेडेड आर गारंटेड बाय क्लियरिंग हाउस जो एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे तो उसकी दूसरी पार्टी क्लियरिंग हाउस है तो उसमें वो भी रिस्क नहीं है कि दूसरी पार्टी डिफॉल्ट करेगी इफ़ और आपको ऐसे मार्जिन रखने पड़ते हैं तो एक्सचेंज का आपको एडवांटेज हो जाता है कि इन एनी केस अगर आपकी प्राइस आपकी फ़ेवर में आएगी तो यू विल डेफिनेटली गेट योर रिटर्न द क्लियरिंग हाउस रिक्वायर्स अ मार्जिन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू और ये इससे ट्रांसपेरेंसी भी आती है क्लियरली ट्रेड में व्यू हो रही होती हैं यू कैन सी हाउ मेनी बायर्स हाउ मेनी सेलर्स आर देयर व्हाट इज़ द प्राइस और ये रेगुलेटेड भी होती हैं जो ट्रेड्स हैं ये स्टॉक एक्सचेंज जो मार्ट जो पोर्टफोलियो जहाँ पे ये डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं ट्रेडेबल वंस दे आर बीइंग रेगुलेटेड एज वेल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन रियल लाइफ आपने पहले बात की थी कि डेरिवेटिव का स्कोप काफी वाइड हो गया जैसे मैंने कहा था वेदर फोरकास्ट में भी यूज हो रहा है तो आर मल्टीपल यूज जहाँ पे डेरीवेटिव इस्तेमाल हो रहे हैं टू कैल्कुलेट प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग ग्राफ ग्राफ्स में आपके डिफरेंट उनके पार्थ चार्ट वगैरह यूज़ होते हैं टू चेक टेम्परेचर वेरिएशन कि यहाँ पर डेरीवेटिव के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं कि जी जिस तरह वट इज़ एक्सपेक्टेड फ्राम वेदर वट इज़ वुट बी आउटकम टू डिटर्मिन द स्पीड एंड डिस्टेंस डिफरेंट पाथ्स में कि वट आर द चैनल्स वट आर द मोड्स दैट आर बींग देयर डेरीवेटिव आर यूज टू ड्राइव मेनी क्वेजन ऑफ फिजिक्स फिजिक्स साइंस में भी इसकी इंप्लीकेशन आ जाती है कि हाउ थिंग्स आर देयर इन स्टडीज ऑफ मैग्नीट्यूड अर्थ क्वेक्स के कितना क्वांटम होगा कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दे आर मल्टीपल यूज विच आर देयर बाई सॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव प्रॉब्लम्स की एप्लीकेशन डिफरेंट वट कुड बी द आउटकम प्रॉस्पेक्ट फोरकास्ट में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है थैंक यू